खबरों के ओर पढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बिहार में चौंकाने वाले मामले, 44 बच्चों और 27 गर्भवती महिलाओं को एचआईवी एड्स। एटा में बारातियों से भरी बस पलटी, करीब 12 लोग घायल। निक प्रियंका की संगीत सेरेमनी में पहुंचा अंबानी परिवार। ट्रेन की छत पर सफर यानी मौत का शॉर्टकट। आधी रात दुकान से उड़ा लिए 40,000 के कपड़े। अब खबरें विस्तार से। बेगूसराय, आज विश्व एड्स दिवस है। इस लाइलाज बीमारी से बचाव की जागरूकता के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं जिले में इस बीमारी का एक कड़वा सच सामने आया है। यहां एक नहीं 44 बच्चे एड्स की बीमारी से ग्रसित पाए गए। एटा जिले के अवागढ़ क्षेत्र में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। हादसा होते ही बस में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में से सभी लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया। हैदराबाद, प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की रॉयल शादी की हर खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपडेट यह है कि इस शादी का गवाह बनने अंबानी परिवार जोधपुर पहुंच चुका है। सुपौल में ट्रेन की छत पर सफर करना कितना घातक होता है, इस बात से सभी परिचित है। वही बिहार के सुपौल कोशी जिले में रोजाना हजारों लोग ट्रेन की छत पर सफर करते हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन लोगों की खबर रेलवे और बिहार सरकार दोनों को है। यूपी के गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। ताजा मामला कपड़े की दुकान में चोरी का है, जहां पर चोरों ने नए कपड़े पहनने के लिए आधी रात को दुकान से 40,000 रुपए के कपड़े उड़ा लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।